अक्सर लोग इस बात का रोना रोते हैं कि खेती में कुछ रखा नहीं, लेकिन जिन्हें कुछ कर गुजरना होता है वो रोना नहीं रोते बल्कि कर दिखाते हैं। अब मऊ के इस किसान को ही देखिए। ताइवान की खास किस्म की पिंक गुआवा यानी गुलाबी अमरूद उगा ये किसान भाई न केवल अच्छे पैसे कमा रहे हैं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मऊ जिले के कोपागंज के युवा किसान भाई धीरेन्द्र कुमार राय की। धीरेन्द्र केवल किसानी ही नहीं करते बल्कि कृषि विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में भी काम करते हैं। इन्होंने काफी कम खेत में इस खास किस्म के अमरूद की खेती कर तरक्की की नई इबारत लिखी है। धीरेन्द्र की हमेशा से व्यवसायिक और मुनाफा देने वाली खेती में रुचि रही है। उन्होंने बाकायदा कृषि की पढ़ाई की है। धीरेन्द्र एग्रीकल्चर से मास्टर डिग्री धारी है। वैसे तो धीरेन्द्र किराए पर खेती योग्य भूमि लेकर विभिन्न तरह की बागवानी करते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक खास पिंक गुआवा की बागवानी का ही किस्सा बताने जा रहे हैं। धीरेन्द्र के मुताबिक इस खास अमरूद का पौधा जब केवल 1 फीट का होता है तभी इसमें फल लगने लगता है। इसकी खेती में मात्र 6 महीने के अंदर ही फल लगना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में अगर मुनाफा मिलता है तो क्यों ना इस खेती को किया जाए। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आपको इस खेती के बारे में जानकारी कौन देगा। इसका जवाब भी आपको धीरेन्द्र देते हैं। धीरेन्द्र ने द न्यूज ब्रीफ की टीम को बताया कि ये ताइवान की खास किस्म के ताइवान पिंक गुआवा हैं। उन्होंने इसकी सघन बागवानी कर रखी है। इसके पौधे में 12 महीनों फूल और फल लगते हैं। पकने पर अमरूद का गूदा गुलाबी रंग का हो जाता है। उन्होंने बताया कि बागवानी के दौरान 2.5-3 के मॉडल पर पौधों का रोपण किया जाता है। अंदाजन 1 बीघे में करीब 500 पौधे लगाए जा सकते हैं। धीरेन्द्र ने अपने बाग में मुख्य रूप से गोबर की जैविक खाद डाल रखी है, हालांकि थोड़ी बहुत डीएपी भी डाली गई है। धीरेन्द्र आगे बताते हैं कि पौधों में तने ही नहीं बल्कि ज्यादा शाखाओं की आवश्यकता होती है जिससे पैदावार ज्यादा हो सके। ताइवान पिंक गुआवा के पौधे में भूमि तल से 1 फीट ऊपर उगने के बाद 15 सेंटीमीटर का हिस्सा छोड़कर ऊपर के हिस्से की छटाई कर दी जाती है। इससे एक एक शाखा 4 नई शाखाओं में बढ़ जाती है। पौधों के बीच की दूरी लगभग 6 फीट की रखी गई है और एक पौधे को लगभग 6 फीट तक की ऊंचाई पर रखी जाती है। अब आपको बता दें कि इससे होने वाली कमाई की कहानी धीरेन्द्र के मुताबिक उन्होंने 1 साल एक पौधे में 150 शाखाएं निकालने का लक्ष्य बनाया है। 1 साल में कम से कम 3 बार फल लगते हैं। इस तरह से एक पौधा 1 वर्ष में लगभग 30 किलो फल दे सकता है। 1 बीघे अगर 500 पौधों का हिसाब लगाएं तो कुल उत्पादन 15,000 किलो के आसपास बनता है। औसतन 30 रुपए प्रति किलो भी अगर कीमत लगाई जाए तो 4.5 लाख की मोटी मोटी कमाई दिखती है। हालांकि अमरूद की ये प्रजाति सामान्य अमरूदों की तुलना में बाजार में महंगी बिकती है। अगर कोई किसान भाई धीरेन्द्र से इसकी बागवानी सीखना चाहता है तो उनसे 8115908270 पर संपर्क कर सकता है।